मोदी जी, यहाँ जंगल में खाट पर बैठने में मजा आ रहा है ना। अभी मैंने तुम लोगों के लिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम किया हूँ। बस थोड़ा समय लगेगा, तब तक मोदी जी तुम एक बढ़िया सी कहानी सुना दो। वाह भाई लालू जी, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। चलो मैं तुमको एक होशियार जाट की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक जाट रहता था। एक दिन वह चारपाई की रस्सी खरीदने के लिए शहर के बाजार के लिए निकला। जाट ने अपने जेब में 1 रुपया रखकर ले गया। जब जाट बाजार पहुंचा तो उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयों से भरा थाल देखकर जाट के मुंह में पानी आ गया। फिर जाट ने सोचा कि पहले पेट भरकर मिठाइयां खा लेता हूँ, रस्सी को तो मैं बाद में भी ले जा सकता हूँ। फिर जाट हलवाई के पास गया और पूछा, मिठाइयां क्या भाव दी है? तो हलवाई ने कहा कि भैया 20 पैसे पाव दी है। पर जाट ने कहा कि भैया मैं पाव भाव नहीं जानता, तुम तो पेट भर मिठाई खाने के पैसे बोलो। तो हलवाई ने कहा कि भैया 1 रुपया दे देना, मैं तुमको पेट भर के मिठाइयां खिलाऊंगा। जाट ने कहा कि ठीक है, लाओ मिठाइयाँ। हलवाई ने मिठाई से भरा थाल जाट के सामने रख दिया। हलवाई ने सोचा कि खूब से खूब 1 किलो मिठाई खाएगा, पर जाट ने तो मिठाई का थाल सपा कर दिया। फिर कहने लगा कि और लेकर आओ मिठाई। तो हलवाई ने कहा कि जाट बाबा, मिठाई तो खत्म हो गई है। जाट बाबा ने कहा कि ठीक है। फिर जाट बाबा हाथ धोकर चलने लगा। हलवाई ने कहा कि जनाब पैसे तो देते जाओ। जाट ने कहा कि हलवाई जी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बात हुई थी अपनी पेट भर मिठाई खिलाने की, पर मेरा पेट नहीं भरा है तो फिर किस बात के पैसे? फिर हलवाई ने कहा कि तूने मिठाई के थाल को ढोल बकरी की तरह चाट चाट कर खाया है, इस बात के पैसे? फिर भैया जाट बाबा को गुस्सा आ गई, तो जाट ने हलवाई को 2-4 तमाचे देकर वहां से भाग गया। फिर हलवाई भी उसके पीछे भागा। मोदी जी, जाट बाबा तो दादागिरी बता रहा है, पैसे देना चाहिए। बेचारे हलवाई का एक थाल मिठाई खा गया और पैसे नहीं दिए, और ऊपर से 2-4 तमाचे दे डाले। अरे भैया, पेट भर के खाया नहीं तो पैसे कैसे? हाँ मोदी जी, फिर क्या हुआ? फिर इधर जाट भागा जा रहा था तो रास्ते में एक तेली मिला। वह अपने ऊंट पर तेल के पीपे ले जा रहा था बाजार में। फिर जाट ने तेली से पूछा कि भैया पीपे में क्या है? तो तेली डर गया कि कोई चोर लुटेरा ना हो। तो तेली ने कहा कि भैया कुछ नहीं, इन पीपों में तो जहर है। जहर का नाम सुनते ही जाट ने एक लठ उठाया और सारे पीपों को फोड़ फाड़ दिया और आगे भागने लगा। फिर तेली भी उसके पीछे भागने लगा। मोदी जी, तेली को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अरे खाना खा तेल के पीपे फोड़वा फाड़वा लिए, अच्छा हुआ तेल के पीपे ही फोड़े, तेली का सर नहीं फोड़ा। हाँ मोदी जी, फिर क्या हुआ? फिर आगे भैया जाट भागता हुआ जा रहा था। भागते भागते उसको एक औरत दिखी। उस औरत के पास जाट जैसे ही पहुंचा तो उस औरत ने कहा कि भैया मेरे बेटे के कान में फूंक देना। जाट ने कहा कि नहीं, मेरे को जल्दी है और मेरे को ये फूका फाकी नहीं आती। लेकिन औरत जिद करने लगी तो जाट ने बच्चे के दोनों कानों को सरौती से काट लिया और फूंक मारता हुआ भागने लगा। इधर वो औरत भी जाट के पीछे भागने लगी। फिर आगे जाके जाट को एक पुलिस वाला दिखा। पुलिस वाले ने जाट से कहा कि भैया मुझे थाना जल्दी पहुंचना है, तो कोई तरकीब बताओ, कोई उपाय बताओ। तो जाट ने कहा कि साहब मुझे कोई भी तरकीब वगैरह नहीं आती, मुझे जाने दो, मुझे बहुत जल्दी है। पर पुलिस वाला भी जिद करने लगा। तो जाट ने अपने पैरों में से जूती निकाली और पुलिस वाले के सिर पर खट खट 5-6 जूती दे मारी और फिर वह जाट थाने की तरफ भागने लगा। मोदी जी, जाट को तो घर की ओर भागना चाहिए, कहाँ थाने की ओर जा रहा था। अरे भैया, घर भागेगा तो पीछे जो लोग आ रहे हैं सब मिलकर जाट को धो डालेंगे, मारेंगे 100 और गिनेंगे 1। अच्छा हुआ जो थाने की ओर जा रहा है। हाँ मोदी जी, फिर क्या हुआ? फिर जाट भागते भागते भैया थाने आ पहुंचा। फिर एक एक करके हलवाई, तेली, औरत और पुलिस वाला भी वहां आ पहुंचे। फिर थानेदार साहब ने जाट से पूछा कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? फिर हलवाई, तेली, औरत और पुलिस वाले ने अपनी अपनी बात बताई। इसके बाद में जाट बोला थानेदार साहब से, मैं तुमको सारी बात बताता हूँ। मैं हलवाई की दुकान पर गया मिठाइयाँ खाने के लिए। हमारे बीच में सौदा तय हुआ था कि 1 रुपए में पेट भर मिठाई खिलाने का, पर मैंने 5-6 किलो मिठाइयाँ खा ली। फिर हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ खत्म हो गई, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने मिठाइयाँ मांगी। हलवाई ने मना कर दिया और रुपया मांगने के लिए हाथापाई करने लगा। तो मैंने अपना रुपया बचाने के लिए हलवाई को 4-6 कस के थप्पड़ मार दिए।
और भाग आया। मैंने क्या गलत किया? अगर पेट भरकर मिठाइयाँ खिलाता तो मैं रुपया दे देता। फिर थानेदार साहब ने हलवाई से कहा कि भाग साले यहाँ से, नहीं तो अंदर कर दूंगा। फिर आगे जाट ने कहा कि साहब मैं भागता भागता आ रहा था तो मुझे ये तेली दिखा, तो मैंने पूछा कि भैया पीपो में क्या है, तो इसने कहा कि जहर है, तो मैंने सारे पीपो को फोड़ फाड़ दिए। साहब दो बूंद जहर एक आदमी को मार सकता है तो इतने सारे पीपो में कितना सारा जहर होगा? ये तो सारे शहर को मारने का विचार बना रहा था, तो मैंने इसलिए इसके सारे पीपे फोड़ दिए। सीधे बोल देता कि इसमें तेल है तो मैं कोई पागल थोड़ी नहीं था जो तेल के पीपे को फोड़ता। अब आप ही बताओ साहब मैंने क्या गलत किया? फिर थानेदार साहब ने तेली को चेतावनी देकर वहां से भगा दिया और बोला कि अब ऐसा मत करना। फिर जाट ने आगे कहा कि साहब ये औरत मेरे से कह रही थी कि मेरा बच्चा रो रहा है तो मेरे बच्चे के कानों में फूंकता जा, पर साहब मेरे को कोई फूक फाक नहीं आता है और ऊपर से मेरे दो बाप मेरे को मारने आ रहे थे, वैसे ही मैं जल्दी में था, पर ये औरत ज्यादा ही जिद करने लगी तो मैंने इसके बच्चे के दोनों कान काट कर फूक मारता हुआ वहां से भागने लगा। फिर थानेदार साहब ने उस औरत पर भी चिल्ला चोट करके वहां से भगा दिया। मोदी जी थानेदार साहब को किसने बनाया? सारी गलती लोगों की ही निकाल रहा है। अरे जाट थानेदार का कोई रिश्तेदार लगता है क्या? भैया रिश्तेदार नहीं लगता है पर सही कर रहा है। हाँ मोदी जी फिर क्या हुआ? फिर जाट ने आगे कहा कि साहब ये तुम्हारा पुलिस वाला मेरे से थाने जल्दी पहुँचने की तरकीब या उपाय पूछ रहा था। मैंने बहुत मना किया कि साहब मेरे को कोई तरकीब या उपाय नहीं पता, पर फिर भी ये नहीं माना तो मैंने 5 जूती इसकी खोपड़ी पर दे मारी और मेरे को पकड़ने के चक्कर में जल्दी थाने पहुंच गया, नहीं तो अभी 2 घंटे लेट पहुंचता। बोलो साहब अब इसमें मेरी क्या गलती है? थानेदार साहब ने कहा कि बातें तो तुम सही बोल रहे हो, पर जाठ बाबा तुमने पुलिस वाले को वर्दी में 5 जूती मारी है तो तुमको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तुमको 8 आने हर्जाने के रूप में देने होंगे। फिर जाठ बाबा ने उल्टे पैर की जूती निकाली और थानेदार साहब को खटाखट 5 जूती दे मारी। मोदी जी जाठ ने तो थानेदार साहब को भी नहीं छोड़ा, कुर्सी पर बैठे बैठे जूतियां दे मारी खटाखट। अब तो थानेदार साहब जाठ बाबा को जेल में बंद कर देगा। अरे भैया ऐसे कैसे कर देगा बंद? फिर थानेदार साहब ने पूछा कि जाठ बाबा मेरे को क्यों मारा? तो जाठ बाबा ने कहा कि साहब मेरे पास 8 आने खुले नहीं थे, इसलिए मैंने तुमको भी 5 जूती मारी, 8 आने तुम्हारे सिपाही के और 8 आने तुमको मारने के, ये लो 1 रुपया, अब मैं रस्सी तो बाद में भी खरीद लूंगा। थानेदार साहब ने कहा कि पागल आदमी छुट्टे पैसे मैं दे देता, मारने की क्या जरूरत थी? जाट ने कहा कि पुलिस वाले के हाथ में पैसा जाने के बाद वापस नहीं आता और जाट वहां से चल दिया और कहानी खत्म। वाह मोदी जी जाट तो बहुत ही चतुर चालाक निकला, सबको मारने के बाद भी बड़ी चालाकी से बिना सजा पाए घर आ गया। पर जाट का रुपया तो खर्च हो गया। और भाइयों आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ। मोदी जी यहाँ जंगल में खाट पर बैठने में मजा आ रहा है ना? अभी मैंने तुम लोगों के लिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम किया हूँ, बस थोड़ा समय लगेगा, तब तक मोदी जी तुम एक बढ़िया सी कहानी सुना दो।